अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 21वां रोज़ा है और रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है। और जब आखिरी अशरा स्टार्ट हो जाए तो पब्लिक को ईद के चांद का बेसब्री से इंतज़ार होता है कि ये चांद 29 का होगा या 30 का होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने दूसरे शहरों से अपने घरों की तरफ आना होता है और ख़वातीन ने अपनी शॉपिंग कंप्लीट करनी होती है। तो इसलिए अगर ये पता लग जाए कि ये चांद 29 का होगा या 30 का होगा तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और मैंने माहिरे फलकियात और महकमे मौसमियात की एक रिपोर्ट पढ़ी है, तो मैंने कहा कि इस बारे में अपने दोस्तों को भी बता दिया जाए। तो माहिरे फलकियात और महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर 30 रोज़े पूरे होंगे और 24 मई बरोज़ एतवार को ईद का चांद नज़र आएगा। तो उस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर 25 मई बरोज़ पीर को ईद होगी, यानी कि इस दफ़ा 30 रोज़े पूरे होंगे। और उम्मीद है कि आप सब अपनी अपनी ईद की तैयारियां कंप्लीट कर लेंगे और अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को एडवांस ईद मुबारक। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।